नमस्कार, मैं उमेश और आप देख रहे हैं एसीएन 24 के खास कार्यक्रम चुनावी महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नव निर्माण जिला सारंगढ़, जहां पर पहली बार नया जिला बनने के बाद नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में क्या तैयारियां हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है, पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है, इस पर चर्चा के लिए चुनावी महासंग्राम चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से युवा नेता गोल्डी नायक और बीजेपी से वरिष्ठ नेता अरविंद हरिप्रिया। दोनों मेहमानों का एसीएन 24 में स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले मैं अरविंद हरिप्रिया जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान पर आ रही है और जनता को कैसे वो अपनी पार्टी के प्रति रिझाने की कोशिश करें, बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत देश एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, और तब से हमने ये माना है कि सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। उन्होंने स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना की है, उन्हें धीरे धीरे सभी शहरों में लागू करते जा रहे हैं। अभी आपने काशी विश्वनाथ को देखा, प्रयागराज को देखा, अयोध्या का देखा। तो हमारे मुद्दे जो हैं, सबका साथ सबका विकास, विकास के ऊपर ही हम फोकस कर रहे हैं, और ये चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अरविंद जी, लेकिन मेरा एक सवाल है, पूरे देश में बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास लेते हुए स्मार्ट सिटी की बात कर रही है, लेकिन सारंगढ़ की बात की जाए तो सारंगढ़ में बीजेपी के 15 साल का शासन काल रहा, लेकिन आज भी सारंगढ़ में नाली जो टूटा हुआ मिलेगा, तालाब गंदगी का अंबार है, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। बीजेपी के शासन काल में यहाँ पर जो है वार्ड क्रमांक 1 कुटेला के तरफ के जो उनकी मकान है उसको तोड़ा गया, आज तक उनका भी भवन निर्माण नहीं पाया, क्या कहेंगे? देखिए, भवन निर्माण के लिए आपको मालूम है प्रधानमंत्री आवास जो योजना चालू की गई है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार का होता है, जिसे राज्य सरकार ने देने से मना कर दिया है, जिसके मुद्दे पर विधानसभा में बहस हुई और हमारे माननीय विधायकों को, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी थे, सस्पेंड किया गया। सरकार बहस से बचना चाहती, प्रधानमंत्री चाहते हैं सबको आवास मिले, लेकिन राज्य शासन उसका सहयोग नहीं कर रही है। इसके चलते जो आवास की योजना है छत्तीसगढ़ में फिसड्डी साबित हो रही है। 7.81 लाख जो मकान हैं उनको वापस टारगेट कर दिया गया है। करीब करीब आप समझ जाएं 8 लाख लोग इस योजना से वंचित हो गए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार की जिद के कारण। वो नहीं चाहते कि यहाँ गरीब लोग पक्के मकान में रहें, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ अनुसूचित जातियों का, यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास हो और वो अपना लाइफ स्टाइल बेहतर तरीके से जी सकें। ये विकास तो कभी कांग्रेस का मुद्दा रहा ही नहीं, इसलिए उन्होंने तो प्रधानमंत्री आवास बनने ही नहीं दिया। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद है युवा कांग्रेस नेता गोल्डी नायक जी। गोल्डी नायक जी, मेरा सवाल आपसे भी है कि कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जनता के बीच आएंगे और नगरीय निकाय चुनाव में वो जनता से वोट मांगे, क्या क्या मुद्दे हैं आपकी, बताएंगे? सर्वप्रथम तो सारे दर्शकों को और एसीएन न्यूज को मेरा नमस्कार है। मैं वर्तमान में रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पद में हूँ और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ सारंगढ़ में। कांग्रेस विकास के लिए अपने राज्य सरकार के 3 वर्ष के जो कार्यकाल है और जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, इन मुद्दों को लेकर तय की। और सारंगढ़ नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है, सारंगढ़ नगर पालिका के लिए नगर पालिका क्षेत्र के हर एक नगरवासी का वर्षों पुराना सपना था सारंगढ़ जिला निर्माण, और ये सपना ही नहीं बल्कि यह एक, ये समझिए कि उनके मन का एक अटूट लगाव था सारंगढ़ जिला के लिए, जिसमें वो लंबे समय तक संघर्ष किए, कई लोग जेल गए। सारंगढ़ के, ये कहना चाहिए, हर वार्ड के एक एक नागरिक का, यहाँ तक कि सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक एक नागरिक का ये सपना था
और उस सपने को भूपेश सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, बिना कोई अड़चन के, बिना कोई दो के ठोस और एक जबरदस्त निर्णय लेते हुए उसे पूरा किया है। सारंगढ़ की जनता का सम्मान किया है, सारंगढ़ के नगरवासियों का सम्मान किया है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, निर्णय लेने की क्षमता शायद उनमें कम थी। गोल्डी जी, मेरा एक सवाल आपसे है, सारंगढ़ और दोनों से है, दोनों पार्टी के दोनों नेताओं से मेरा सवाल है, आखिर सारंगढ़ को जिला बनने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि कहा जाता है अविभाजित मध्य प्रदेश में के दौरान भोपाल और सारंगढ़ की तुलना बराबर की जाती है। राज परिवार की बात की जाए तो सारंगढ़ राज परिवार एक अपने आप में विरासत को समेटे हुए बैठा हुआ, तो ऐसी स्थिति में सारंगढ़ अपनी राज विरासत और हर क्षेत्र में सारंगढ़ आगे होने के बावजूद, क्योंकि कहा जाता है अविभाजित मध्य प्रदेश में भोपाल और सारंगढ़ दोनों बराबर थे, तो आखिर इतना लंबा समय सारंगढ़ को जिला बनने में क्यों लगा? क्योंकि पारी दोनों को मिला था। आप ये मत कहिएगा, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइएगा, 15 साल बीजेपी को मौका मिला है, 3 साल अभी, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आजाद होने के बाद से कांग्रेस की सरकार बहुत लंबे समय से रही, लेकिन सारंगढ़ जिला क्यों नहीं बना, क्या कारण था? सारंगढ़ जिला नहीं बना, इसके लिए तो स्पष्ट कारण थे कि लंबे समय तक जिनकी सरकारें रही वो चाहते ही नहीं थे। सर, आपकी भी तो सरकार थी 15 साल, हाँ, आपने भी वादा किया था, आपके संगठन का आरएसएस जो है आप ही के उसी के अंतर्गत आता है, उनका एक जिला भी है संगठन का, लेकिन जिला बनने में लेट क्यों बना? देखिए, सारंगढ़ जिले के लिए तो हमने जो राज्य जिला पुनर्निर्माण आयोग था उसके गठन की तैयारियां की थी, दावा आपत्ति की शुरुआत ही कर रहे थे और थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि सारंगढ़ से तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं ना कांग्रेस के, बनना होता तो उस वक्त भी बन सकता था, आज से सालों पहले, लेकिन कांग्रेस की तो कभी मंशा ही नहीं थी। क्यों सारंगढ़ को, जब हमने छोटा राज्य बनाया, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, तो हम जिले के भी समर्थक थे ना, छत्तीसगढ़ राज्य अगर नहीं बना पाते तो सारंगढ़ जिला शायद आज भी नहीं बन पाता। मुख्यमंत्री वाली बात है तो मैं बता दूं कि वो 13 दिन के मुख्यमंत्री थे और अंशकालीन का समय था, और रही बात जिले की, तो सारंगढ़ जिला तो ये तो शाश्वत सत्य है कि कांग्रेस ने बनाया है, पूर्व में जो सारंगढ़ जिला नहीं बन, सर गोल्डी सर एक चीज और, सारंगढ़ जिला बन गया लंबे समय से मांग के बाद, लेकिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना है, लगातार सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, लोग उस पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, तो सारंगढ़ और बिलाईगढ़ नाम जोड़ने क्यों जरूरत पड़ी? चाहते तो सारंगढ़ के अगर कर ही रहे हैं तो बरमकेला ने क्या बिगाड़ा, उनका भी नाम जोड़ सकते थे, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ होने का मतलब क्या है? कहीं राजनीति में मतलब अपनी वोट जो बैंक है उसको बढ़ाने के लिए कहीं कहीं पे बिलाईगढ़ का नाम जोड़ा गया है? सारंगढ़ और बिलाईगढ़ का रिश्ता बहुत पुराने लोगों का कथन है कि रियासतकालीन समय से बिलाईगढ़ सारंगढ़ में ही आता है, शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी इसकी। हाँ, लेकिन वो बिलाईगढ़ रियासत कभी नहीं कहलाता, वो सारंगढ़ रियासत है। ये नेतृत्व की कमजोरी मैं बता रहा हूँ, बिलाईगढ़ का जो है इसीलिए हुआ क्योंकि सारंगढ़ का नेतृत्व जब सक्षम होता तो सारंगढ़ जिला बनता, जब सारंगढ़ के नेतृत्व में ये क्षमता नहीं थी तब मजबूरी में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जोड़ा गया। बिलाईगढ़ ने तो कभी जिले की मांग तक नहीं की, जिले की मांग की क्या बिलाईगढ़ ने कभी? और सारंगढ़ को अपना बड़ा भाई मानकर इसमें जुड़े हम, तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से पूरे बिलाईगढ़ को और पूरे सारंगढ़ को, सारी जनता को धन्यवाद दूंगा कि कोई तो आगे आया, नहीं तो चंद्रपुर ने मना कर दिया, सरिया ने मना कर दिया, सारे लोगों ने मना कर दिया सारंगढ़ से जुड़ने के लिए, तो ये मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम मना करने की बात नहीं, राज्य शासन ने जो नोटिफाई किया ना उसमें तो सरिया अभी भी सारंगढ़ में है ना, और आप कहते हैं कि बिलाईगढ़ में कुछ मुख्यालय दिए जाएंगे, कितनी दूर है? ये आपको मानना चाहिए कि अगर आपका नेतृत्व तो मजबूत होता तो सिर्फ सारंगढ़ जिला नाम होता। इतना गोल्डी जी, आप जानेंगे कि 52 सालों से जो जिले की मांग हो रही थी, 52 सालों से जिले की मांग हो रही थी, उसमें कहीं बिलाईगढ़ जिले का नाम नहीं था, जिला बन चुका है। रिपोर्ट पर हम जा रहे हैं तो देखने के ये भी मिल रहा है, सारंगढ़ तो जिला बन गया लेकिन लोगों को जिला जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज वार्ड क्रमांक 1 की हमारी एक खबर है, उसमें देखा गया लोगों का कहना है कि पहले ग्राम पंचायत था तो लोग सुख थे, क्योंकि सारंगढ़ से बनने के बाद ना तो कचरा गाड़ी कचरा उठाने जा रहा है, ना ही तो नाली बना है, तालाब में पछड़ी नहीं, तालाब में जाने के लिए सड़क नहीं है, स्कूल है तो स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है,
शिक्षक है तो जा नहीं रहे, स्वास्थ्य के हालात तो पूछो ही मत, सारंगढ़ में बद से बदतर, लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल इलाज कराने नहीं जाएंगे। तो फिर जिला बन गया, आसपास के गांवों को भी जोड़ के नगर पालिका भी बना दिया गया, लेकिन लोगों को लाभ ना मिले तो फिर क्या मतलब। यही तो रिपोर्ट कार्ड है जो तीन साल का आप बता रहे हैं, कांग्रेस सरकार का रिपोर्ट कार्ड है ये तो बीजेपी के शासन काल का भी है ना, वही तो हाल है बीजेपी के शासन। जब तक भाजपा का शासन था कभी ऐसी समस्याएं नहीं, मूलभूत चीजों के लिए नागरिकों को कभी नहीं। आप देख रहे हैं कि जितनी भी केंद्रीय पोषित योजनाएं सबको तो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। आज धान खरीदने के लिए किसान को बाध्य किया जा रहा है कि बोरा लेकर के आओ, अब किसान करे तो क्या करे। गंगा जल हाथ में लेकर के दारूबंदी की कसम खाई, हर ठेले पे दारू बिक रहा है और कौन दारू बेच रहा है आपको अच्छी तरह मालूम है, दारू किनके कार्यकर्ता बेच रहे हैं आपको अच्छी तरह मालूम है। 15 वार्ड में ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वार्ड में, जैसे कि अभी जिस तरीके से अभी वार्ड क्रमांक 1 की बात हो कि कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, पैरासूट लैंड कार्यकर्ता को मतलब उनको पैरासूट लैंडिंग प्रत्याशी दिया जा रहा है, जिसमें जो जो लोकल कार्यकर्ता है वो नाराज हो रहे हैं, कई जगह पर देखने को मेरा नाराजगी है। इन जो लोग नाराज हैं कुछ कहीं पर देखने को मिल रहा है कि वो पार्टी छोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन लोगों को फिर आप लोग कैसे मनाएंगे, और ऐसी क्या वजह आ पड़ी कि आपको बाहरी प्रत्याशियों को लाना पड़ रहे हैं। दोनों पार्टी से सवाल है, दोनों जगह कोई वार्ड नंबर 1 में कौन बाहर का प्रत्याशी है, वो पैराशूट प्रत्याशी कौन है, कांग्रेस का है सबको मालूम है, इसीलिए दो बागी प्रत्याशी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और वार्ड 4 में बीजेपी की वहाँ तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, विधायक एक सिंगल दिन वहाँ प्रचार करने नहीं गई, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वहाँ प्रचार करने नहीं जा रहा है, पैराशूट कैंडिडेट के विरोध में ही तो ये दो दो लोग बागी वहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव। हमारी प्रदेश नेतृत्व की सबसे बड़े कांग्रेस नेतृत्व अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की वो चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने उन्हें बहुत ही मजबूती से टिकट दिया है, बाहरी प्रत्याशी का बात है तो वार्ड नंबर 10। आप अपने जिला महामंत्री जी आप बताइए आप कितने दिन वार्ड नंबर 1 में प्रचार के लिए गए। मैं दोनों आप एक भी दिन नहीं गए, पैराशूट कैंडिडेट का नारा भी आप ही लोगों ने दिया है, आप तो सभी प्रमाणित विपक्ष का मुद्दा भी आप ही लोगों ने दिया है, हमें तो पता नहीं था किसको बोला जा रहा है बाहरी, कौन है बाहरी प्रत्याशी बताइए, बीजेपी के कैंडिडेट बाहरी प्रत्याशी कैसे है, वो तो नगर पालिका क्षेत्र के निवासी हैं, तो निवासी तो ये भी है ना, ये कब से हैं तो क्यों आप ही लोगों ने क्यों नारा दिया कि वो पैराशूट कैंडिडेट है, पैराशूट कैंडिडेट का नाम कहाँ से आया, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही दिया। चलिए प्रत्याशी पार्टी ने तय कर दिया, चलिए ठीक है पार्टी की जिम्मेदारी है कि किनको देंगे टिकट, लेकिन जो नाराज है उनको फिर कैसे मनाएंगे, क्योंकि वो तो चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वोट बैंक तो काटेंगे ना आपके कांग्रेस के, तो उनको फिर कैसे मनाएंगे। हमारे वरिष्ठ जन उनको मनाने की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं और बाकायदा हमारे प्रभारी मंत्री जी महोदय भी जो अभी निर्दलीय लड़ रहे हैं उनके घर गए थे, उनसे बातचीत हो रही है और हो सकता है कि सभी कांग्रेस के पक्ष में आने वाले समय में काम करें और कांग्रेस किसी और ज्यादा मजबूत हो सकती है। अच्छा ठीक है, कांग्रेस ये मान रहे हैं कि इनके बागी प्रत्याशी हैं जिनको ये मनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 1 भाजपा का है और बाकी 4 कांग्रेस के हैं। तो अच्छा ये एक बात बताइए, इसमें फायदा किसको होगा फिर, मतलब एक अगर बागी प्रत्याशी को बागी लोग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए गुटबाजी तो कांग्रेस का पर्याय है आप भी जानते हैं, यहाँ विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने हैं, तलवारें खींची हुई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हैं, पैराशूट कैंडिडेट लाया जा रहा है, यहाँ एक दूसरे को फूटी आंखों देखा नहीं जा रहा है। बीजेपी को कितना फायदा होगा इससे, बीजेपी आपको मैं बता रहा हूँ 15 वार्ड में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, यहाँ हम पुनः अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा ये दोनों जने से मेरा एक सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी से सवाल है, कितना सीट आप लोग दावा कर रहे हैं, दोनों जने कितने सीट का दावा कर रहे हैं। 15 सीट का दावा कर ही दिए हैं। 15 सीट का नहीं, मैंने बहुमत की बात कही है और हमारे अनुमान पूछ लेते हैं, आप दोनों महानुभव है, दोनों को ज्यादा जानकारी, एक यूथ है एक वरिष्ठ है, दोनों को अच्छे से जानकारी है, तो लगभग कितना सीट आ सकता है, मैं आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की 9 से 10 सीटें आ रही हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता, बाकी कुछ सीटों पर निर्दलीय और कांग्रेस आएंगे। आपका मानना है कि कुछ सीटों पर निर्दलीय और कांग्रेस आएंगे, आपका? हमारा मानना तो ये है कि 12 सीट में कांग्रेस की सरकार बैठेगी, कांग्रेस का सरकार यहाँ बनेगा निश्चित हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष का प्रत्याशी नहीं मिलेगा और हो सकता है ये चुनाव नगर पालिका के चुनाव निर्विरोध अध्यक्ष चुनाव ना बन जाए। अच्छा एक मेरा भी दावा है, मेरा एक और सवाल है कि
जिस तरीके से दोनों तो दम भर रहे हैं कि हमारी पार्टी वो तो भविष्य के गर्भ में है, आने वाले दिनों में जनता फैसला करेगी, क्योंकि चुनाव तो बहुत करीब है। रिजल्ट जो आएगा वो तो देखने योग्य रहेगा, क्योंकि सारंगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन इन सब के बीच, जैसे कि वार्ड क्रमांक 8 की बात की जाए, तो वहाँ पर बीजेपी का जो चेहरा है वो मजबूत है, वहीं कांग्रेस का जो चेहरा है, युवा चेहरा, यूथ आइकन है। आप दोनों अपनी नज़रों से कैसे देखते हैं, कैसे तुलना करते हैं वहाँ की? देखिए, वार्ड नंबर 8 में जो हमारा उम्मीदवार लड़ रहा है वो सीनियर है, उसे वार्ड का बहुत अच्छा अनुभव है, और साल में 365 में से 365 दिन वो वार्ड वासियों की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। उसको उसके अनुभव का लाभ मिल रहा है और उस वार्ड में उसकी बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता है। मनोज जायसवाल पूरे वार्ड के साथ ही सारंगढ़ के लिए एक स्वीकार्य चेहरा है, और मुझे नहीं लगता कि उसे किसी तरह की कोई चुनौती वार्ड नंबर 8 में मिल रही है। वो इस बार भी बहुत अच्छे बहुमत से वार्ड नंबर 8 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस का यूथ आइकन सुभाष वाजपेयी वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहे हैं, और दो बार वहां पर मनोज जायसवाल जी पार्षद रह चुके हैं, और पूरे नगर में शायद आपके मीडिया एसीएन न्यूज में भी यह चलता है, और उसके बाद सारे नगर के मीडिया में भी यह न्यूज चलता है कि वार्ड नंबर 8 का आप तुर्की तालाब जाकर देखें, जिसे अभी अभी आपने बताया और आपने पढ़ा था कि आज भी वो गंदगी से पटा हुआ है, आज भी उसमें अंधकार है। वो शिक्षित वार्ड है, और उस वार्ड में मेरे आदरणीय अरविंद हरिप्रिया जी भी रहते हैं, और उनके घर के पीछे ही उनका वो तालाब है, जिसकी चर्चा आज नगर में हर वार्ड में हो रही है। देखिए, तुर्की तालाब के लिए तो टेंडर हो चुका है, अभी नगर पालिका अध्यक्ष थे अमित अग्रवाल जी, बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष, टेंडर हो चुका है तुर्की तालाब के लिए। आप भी तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो, जिला महामंत्री हो, आपकी सरकार है, आप ही साफ करवा देते, कहा है बीजेपी का इंतजार कर रहे हैं? सवाल का मैं तत्काल जवाब दे सर, मेरा वही सवाल है, किसी को आप आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, जो सर आप भी तो कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूंगा कि आपने जो कहा हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने बकायदा आदरणीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री से निवेदन किया, और विधायक जी ने 5 लाख रुपए वहां स्वीकृत कराया है तुर्की तालाब के जीर्णोद्धार के लिए, तुर्की तालाब के सफाई के लिए। विधायक जी ने नगर में कम से कम 26 करोड़ रुपए के कार्य, 3 साल में नगर में जब से कांग्रेस की सरकार आई है बंटाधार करके रखा। सर आपके भी तो शासन काल का भी वही हाल है सर, अभी भी तो कई जगह। देखिए, हमने वादा किया था स्मार्ट सिटी बनाने का, और हम उस दिशा में प्रयास कर ही रहे थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उन्होंने स्मार्ट सिटी, एक सतत प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, एकदम से कोई सिटी स्मार्ट सिटी नहीं बन जाती। आज आप देख रहे हैं काशी। सर सर एक सवाल और भी है, 15 साल तक आपका शासन रहा सर, 15 साल में जिला बना देते, 15 साल में जो जो समस्या, 15 साल एक बड़ा समय होता है सर, हैट्रिक आप लोगों ने लगातार 3 बार जीता, 3 बार जीतने के बाद ये हाल है, और आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो गलत बात है। नहीं महोदय, मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, हमारी कुछ कमजोरियां थी, आज हम विपक्ष में बैठे हम स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या उसी दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है? नगर का हाल इतना बुरा जो है कांग्रेस सरकार के आने, सही बात है, उन्होंने आवंटन, सारे आवंटन रोक दिए, सारे आवंटन रोक दिए, हमारे अध्यक्ष को काम ही नहीं करने दिया, हमारे बीजेपी का मजबूत अध्यक्ष था उसे काम ही नहीं करने दिया कांग्रेसियों ने। पालिका अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी, बॉडी उनकी, नगर सरकार भाजपा की सरकार में, तो उसमें भी एडरमैन बनाए, हर जगह पे अड़ंगा लगाया कांग्रेसियों ने, कांग्रेसियों ने हर जगह अड़ंगा लगाया, अमित अग्रवाल को विकास करने ही नहीं दिया, इतना उन्होंने अपने घेराबंदी की परेशानी खड़ी की कांग्रेस का बनने के बाद में, अग्रवाल जी ने तो आप मानते हैं ना, सक्रिय हमारा अध्यक्ष था, हमने राशि, हमारा अध्यक्ष सक्रिय था, सरकार ने राशि दिया, सरकार ने नहीं, वो हमारा ही पैसा है जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, हमें वापस किया सर, टैक्स से किया था सर, बहुत सारे जो संपत्ति कर आधा करेंगे बोला था, किया क्या उसको, सारंगढ़ से जोड़ा गया, आज भी वहाँ के लोगों को बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये तमाम सुविधाओं वहां पर नहीं मिल पा रही। देखिए, कांग्रेस के लोग हमेशा अड़ंगा लगाते हैं, सारंगढ़ को नगर पालिका नहीं बनने के लिए हाईकोर्ट तक गए थे, ये हाईकोर्ट तक गए थे, उसको स्टे करा दिया था, ये लोग तो हमेशा विकास के विरोधी रहे हैं, तो ये चाहते ही नहीं कि क्षेत्र का विकास हो, कॉलेज यहाँ नहीं खुलने देना चाह रहे थे, जिला नहीं बनने देना चाह रहे थे, अब नगर पालिका हम लड़ झड़ करके नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया, उसका विकास नहीं करने दे रहे, कांग्रेस के विधायक नहीं कॉलेज खुलवा दिया, और कांग्रेस के विधायक किसने विरोध किया था, किसने विरोध किया था कॉलेज बनाने का, आप सबको मालूम है, विकास विरोधी है, विकास विरोधी है। जिला जो बना है 1952 से एक मांग थी भारतीय जनता पार्टी का, इतना दबाव था, लाखों
उसमें कार्यकर्ता थे कितने, आपने कहा कि जेल गए, तो जेल कौन गया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेल गए, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जेल नहीं गया था। हमारे अजय गोपाल नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने जेल की यात्रा की और उनको जमानत पे फिर हमें छुड़ाना पड़ा। तिवारी जी भी गए जेल हमारे। अरे सर, दोनों जने का, दोनों जने की बात मैं समझ गया, लेकिन सर अंतिम मेरा आप दोनों से ये भी एक सवाल है, सर सरकार किसी की भी बने वो तो जनता तय करेगी, लेकिन जो पक्ष में रहेंगे विपक्ष में रहेंगे जिनकी भी सरकार होगी, जनता के लिए आप लोग क्या करेंगे? आपकी मूलभूत सुविधाएं मेन जो लोगों को देना चाहेंगे क्या रहेगा? सर मैं सबसे पहले आपके पास जाना चाहूंगा, सर अरविंद सर बताएंगे। देखिए, हमारे जो मैनिफेस्टो में है सबका साथ सबका विकास, उस पर हम आज भी अडिग हैं। स्मार्ट सिटी की जो हमारी परिकल्पना है हम उससे आज भी पीछे नहीं हो। जब स्मार्ट सिटी बनेगी उसमें पेयजल भी रहेगा, नाली की भी सुविधा रहेगी, शिक्षा भी रहेगा, स्वास्थ्य भी रहेगा। हम जो है आने वाले 50 सालों को देख करके कार्य योजना बनाते हैं और उस पर हम आज भी अडिग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यहाँ बनेगा, भारी बहुमत से बनेगा, और स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है वो जरूर पूरी होगी। ना आपको पेयजल के लिए परेशान होना पड़ेगा, ना नाली के लिए परेशान होना पड़ेगा, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, वो सारी चीज़ें सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी आपको करके देगी। कांग्रेस मुख्य मुद्दों को लेकर आज मैदान में है और कांग्रेस सबसे पहले आम जनता, आम गरीब आदमी के लिए सोचती है। सबसे पहले तो वो यहाँ पर टैक्स की जो राशि है उसे कम करवाएगी। संपत्ति कर आधा करने का वादा कांग्रेस का था, किया क्या? जैसे बिलासपुर संपत्ति कर आधा हुआ क्या? नहीं हुआ। संपत्ति कर आधा हुआ है बिलासपुर में, भूपेश सरकार ने आधा करवाया है। सारंगढ़ में बैठी थी, प्रस्ताव सारंगढ़ में हमारा सरकार बैठेगा प्रस्ताव। देखिए, ये खाली खून के आंसू ना, संपत्ति कर आधा कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का जो जाम बढ़ गया था एक चुनाव में, तो हमने अरविंद भैया की गैस की एजेंसी थी, गैस सिलेंडर का फोटो छाप के हम लोग। देखिए, हम निजी आक्षेप नहीं लगाते, निजी आरोप प्रत्यारोप से नहीं बनते, हम तो मुद्दों की बात करते हैं। तालाबों को सुख सुविधा और तालाबों का सौंदर्यीकरण सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा, नगर की सड़कें, नगर की सरोवर धरोवर योजना हमारी भाजपा की थी, वो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी है। प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिए। हम किसान सम्मान निधि देते हैं उसके लिए सूची ये नहीं भेजते हैं। सर, सर, बोरा नहीं उपलब्ध कराते। चलिए आप ही के लिए हाथ में गंगा जल लेके दारूबंदी की कसम खाई, कहाँ है धान खरीद रही है, योजनाओं का लाभ दारू हर पारा मोहल्ले में बिक रहा है। यहाँ तक कि सरकार जो घोषणा पत्र में जो तय किए रहते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाता, ये वर्तमान की छत्तीसगढ़ के मौजूदा हालात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गंगा जल हाथ में लेकर के झूठी कसम खाई है इन्होंने। जनता सबक सिखाएगी, आप देख लीजिएगा, इसमें पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। नगर पालिका चुनाव में इनको बुरी तरह से हारना पड़ेगा, ना किसी का पूरा कर्जा माफ हुआ। आज भी किसान बोरा लेकर के जाता है तब उसका धान का तौल होता है। दाना 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 खरीदेंगे बोलते थे, कभी राजीव गांधी के जयंती पे, कभी इंदिरा जी की जयंती पे, कभी नेहरू जी की जयंती पे, ये क्या हो रहा है? राजनीतिकरण कर रहे हैं ये लोग। अरे आप किसान को सीधा दो ना, हम 6000 रुपए उनको दे रहे हैं, 6000 रुपए किसान सम्मान निधि का प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास आपने बंद करवा दिया, 80 करोड़ लोग को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और ये जो उसका विरोध करते हैं राज्य सरकार। कांग्रेस जो है हर जगह विकास का विरोध करती है, सारंगढ़ के पिछड़ेपन का मुख्य कारण कांग्रेस है। तो क्या सर मैं आप दोनों से आश्वस्त होना चाहूंगा, अगर आप दोनों में से किसी की भी सरकार बनेगी तो क्या सारंगढ़ में जो सड़कें हैं वो चमचमाती सड़कें रहेंगी, बिजली पानी जो तमाम मूलभूत की सुविधाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, जो ग्रामीणों को सरकार की योजना का लाभ मिलता है, मैं दोनों जने से आश्वस्त होना चाहूंगा क्या उन योजनाओं की लाभ हर एक नगर वासी को मिलेगा? मैं बताता हूं, निश्चित रूप से कांग्रेस की जो योजनाएं हैं और कांग्रेस की जो घोषणा पत्र में शामिल है, लोगों को पट्टा मिलेगा, ये एकदम निश्चित है। पट्टा मिलना कई जगह में चालू भी हो गया है। नगर में जो टैक्स की राशि है वो सबसे पहला मुद्दा है हमारा, वो अवश्य रूप से हमारी अगर सरकार बैठती है, क्योंकि अभी तक भाजपा की सरकार थी, प्रस्ताव हुआ नहीं था, हम बाकायदा उसे प्रस्ताव में लाएंगे और टैक्स हर नागरिक के लिए। जी बहुत अच्छा, मैं अब आपको बता दूं, सारंगढ़ में मेरी बात सुने आपने, उनकी बात सुनी, मेरी बात सुननी पड़ेगी। सारंगढ़ में मेला किसने बंद करवाया? एकमात्र मनोरंजन का साधन था और वो भी शहीदों की स्मृति में 26 जनवरी को होता था, कांग्रेस ने वो मेला बंद करवाया। मेरा ये कहना है, मवार भाटा में जो गरीब लोगों के आशियाना थे वो टूट गए, कांग्रेस विधायक के कार्यकाल में टूटे, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। आज भी वो वहाँ पे चेहरा नहीं दिखा पाते, वोट मांगने नहीं जा पाते।
26 जनवरी को शहीदों की स्मृति में हमारा जो हरिहाट वाला मेला होता था वो कांग्रेस ने बंद करा दिया। शिक्षित बेरोजगार में किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। गंगा जल लेके कसम खाई थी कि धान का एक एक दाना खरीदेंगे, 15 क्विंटल तक सिमट गया, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। नरवा गरवा की बात करते हैं, आज आए दिन जो है जानवर सड़कों पर बैठे रहते हैं और कितनी दुर्घटना होती रहती। बेरोजगारों को छला, युवाओं को छला, महिलाओं को छला, किसानों को छला, और तो और हमारा एकमात्र मनोरंजन का साधन था सारंगढ़ में मेले को बंद करा दिया। ये कांग्रेस की सरकार जो है हमेशा से विकास विरोधी रही है और जनता जो है इस बार इसको पूरी तरह सबक सिखाएगी। हमारे प्रत्याशी देखिए एमए और एमबीए पास, एमए और एमबीए पास हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और एक सशक्त हम आपको नगर पालिका अध्यक्ष देंगे, ये हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको वादा करते हैं। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ, सरकार की जो योजनाएं लागू हुई है और लोगों को उसका फायदा मिला। आप मेले से शुरू करिए। रही बात अपने मोहार भाटा की, तो मेला जैसे मेरे को जानकारी था, फर्स्ट बात मैं मोहार भाटा का करूंगा क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार के निर्देश में वो टूटे। विधायक ने विरोध क्यों नहीं किया? बकायदा जमीन कोई विरोध नहीं हुआ, आज भी वो वोट मांगने वहाँ नहीं जा पाते और एक महिला उसमें जेल भी गई है। वोट मांगने भी नहीं जा पाते, एक महिला उसमें जेल भी गई है, आज भी वहाँ वोट मांगने नहीं जा पाते। बोल रहा हूँ तो अगर आप ऐसा है तो फिर आप ही बोल लीजिए। बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। युवा नेता के उस आंदोलन में मैं स्वयं बैठा हुआ था, हमने बहुत उसका विरोध किया, उसकी तस्वीरें भी हैं और बहुत लोग उसमें समर्थन भी कर रहे हैं। 3 साल हो गए, एक भी आदमी को पट्टा मिला मवार भाटा में? देखिए मैं बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे। नहीं नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आज वो लोग मवार भाटा में ये भी बोल रहे हैं कि एक कांग्रेसी था जो आंदोलन में हमारे साथ खड़ा हुआ था, हम जेल गए थे तो कांग्रेसी था जो हमारे पीछे खड़ा हुआ था, भाजपा के लोगों ने तो तुड़वाया, यहाँ तक कि कलेक्टर को बुलवाया, एसपी को बुलवाया, बुलडोजर चलवाया। चंद्रशेखर आजाद वाली बात है और वहाँ पर मेले वाली बात है, तो मेला तो वाकई में आज वहाँ का मेला का जगह तो छोटा हो रहा है, इसको हम स्वीकार करते हैं, और वैसे छोटे जगह में उतना बड़ा हर मेला होना संभव भी नहीं है। दूसरा वो न्यायालयी प्रकरण में है, वो जगह आज न्यायालय में है, उसके लिए वो न्यायालय का दाखिल किया गया था। उस मेला समिति में मैं स्वयं भी हूँ, ऐसा नहीं कि भाजपा का मेला है। वो शहीदों की स्मृति में मेला होता है कि नहीं? शहीदों की स्मृति में नहीं होता है वो, हरिहाट क्या बात कर रहे हैं, पूरे शहीदों की फोटो लगी रहती हैं, वो हमने शहीदों की याद में होता है वहाँ पे, ये हरिहाट मेला है। अच्छा शहीद भाजपा के हो गए और आपके शहीद नहीं है? वे राज परिवार जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की वो भाजपा के हो गए, शहीद को आप शहीद मानने से मना कर रहे हैं? मुद्दा शहीदों के मेला को आप निरस्त करा रहे हैं। चुनावी सरगर्मी तेज है। ACN 24 अपने सभी दर्शकों से ये भी अपील करता है कि आप अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपनी बात रखी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय कांग्रेस।